बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद और आज हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में नंबर सिस्टम। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम और पाइथन किन नंबर सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, और फिर हम पाइथन में इन नंबर सिस्टम्स जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्सा है, किस तरह इसमें हम नंबर मेंशन करेंगे और किस तरह इसके एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द पाइथन्स। सो हम भी टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नंबर सिस्टम? बेसिकली नंबर सिस्टम हमारे पास क्या एक मेथड है जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिंबल के फॉर्म में, और इन नंबर्स से क्या होता है, ये नंबर्स जो हमारे पास होते हैं ये हमारे काम आते हैं किस चीज़ के लिए, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस के लिए। ये बेसिकली नंबर्स क्या है, मैथमेटिकल वैल्यूज़ है जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं या मर्जिंग होती है, वहाँ पर हमारे ये काम आते हैं। यानी हम ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, अगर हम आसान अल्फाज ये कहें तो। बेसिकली नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट शेप्स, और उनको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कैलकुलेशन ऑपरेशन के लिए। पाइथन जो सपोर्ट करता है ना, इन नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को, ऑक्टल नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम को। जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उसको थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, दो ही डिजिट होते हैं, या तो वो जीरो होंगे या वन होंगे, इनके अलावा कोई और डिजिट इसमें नहीं होता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम्स कहते हैं, और उनका जो बेस होगा या रेडियस होगा वो क्या है, वो टू कहलाता है। सो इसका असल में जो लेंथ होता है ना, इसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं इनका क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, राइट। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किस में, पाइथन में लिखना चाहते हैं, तो जो भी हम लिखेंगे ना उससे पहले हम क्या करेंगे, ज़ीरो बीट लिखेंगे। ज़ीरो बी स्मॉल हो या ज़ीरो बी कैपिटल हो, आप इससे शुरू में पहले लिख देंगे तो वो नंबर क्या बन जाता है, बाइनरी बन जाता है। ठीक है जी, ज़रा देखें, मैंने एक वेरिएबल लिया वी, वी इक्वल क्या, ज़ीरो बी, और ज़ीरो वन ज़ीरो वन मैंने वैल्यू डाल दी, तो ये क्या हो गई, एक बाइनरी नंबर हो गया। अच्छा, इसमें आप ज़ीरो वन के अलावा और कुछ नहीं ले सकते। अच्छा, सपोज़ वन ज़ीरो और टू लिखते हैं ना, तो इट्स इनवैलिड, राइट, ये वैलिड नहीं है। क्यों, इसमें टू अलाउड नहीं है, जस्ट इसके जो डिजिट होंगे ज़ीरो और वन होंगे, राइट। ये मैं प्रैक्टिकली कहता हूँ, फिर मैं इसको जल्दी ख़त्म करता हूँ। ऑक्टल में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं ना, ऑक्टल में नंबर सिस्टम है उसमें ज़ीरो से लेकर सेवन तक होते हैं। ठीक है जी, ज़ीरो टू सेवन नंबर्स होते हैं, और ये नंबर अगर आप काउंट करें तो एट बन जाते हैं, टोटल जो इसकी लेंथ हो जाती है ना एट होती है, तो इसलिए इसको हम बेस एट भी कहते हैं, यानी इसका बेस एट कहलाता है। अगर सी में हम इसको मेंशन करना चाहते हैं तो हम डिजिट से पहले क्या लिखेंगे, ज़ीरो ओ, ज़ीरो ओ स्मॉल में या कैपिटल में, दोनों में लिख सकते हैं। सपोज़ देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर से देखें, वी इक्वल ज़ीरो ओ वन टू फाइव, सो वन टू फाइव नंबर है, इससे पहले मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर ज़ीरो ओ, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक ऑक्टल नंबर बन गया है। मैं दोबारा कह देता हूँ किस तरह ये प्रैक्टिकली काम करते हैं, मैं नीचे दिखा दूंगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं ना, वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और नाइन तक जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप इनको काउंट करें, नंबर ऑफ डिजिट्स में जो है ना वो कितने बनते हैं, वो टेन बनते हैं, इसलिए टेन का क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, राइट। टेंस का क्या बनेगा, बेस बनेगा। और अगर हम इसको सी में लिखना, ये पाइथन में लिखना चाहते हैं, तो हमें इसके प्रीफिक्स में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन्हीं डिजिट को इस तरह लिख दे तो ये क्या बन जाएंगे, डेसिमल ही होते हैं। सपोज़ देखो, अगर यहाँ पर देखें वी इक्वल वन टू फाइव, अब वन टू फाइव मतलब क्या है, मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, इससे पहले प्रीफिक्स में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, शुरू में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ वन टू फाइव ही लिखा हुआ है। इस तरह अगर हम बात करते हैं किसकी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, ज़ीरो टू नाइन एंड ए टू एफ तक होते हैं, ए टू एफ स्मॉल कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। तो ये मिला कि जब आप इसको काउंट करते हो तो ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने बन जाते हैं, 16 बन जाते हैं, इसलिए 16 का क्या होता है, बेस बन जाता है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के लिए क्या यूज़ होगा, 10 के लिए ए यूज़ होगा, ए, बी के लिए क्या यूज़, 11 के लिए क्या यूज़ होगा, बी यूज़ होगा,
12 के लिए क्या यूज़ होगा, सी यूज़ होगा। 13 के लिए क्या यूज़ होगा, डी यूज़ होगा। 14 के लिए क्या यूज़ होगा, ई यूज़ होगा। और 15 के लिए क्या यूज़ होगा, एफ़ यूज़ होगा। तो इसलिए जो डबल डिजिट होते हैं ना उसके लिए क्या यूज़ होता है, ए बी सी यूज़ होता है। सो 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए टू एफ़ यूज़ करेंगे। जब आप इसको काउंट करते हैं तो ये नंबर ऑफ आपके पास जो फिगर्स आते हैं वो 16 हो जाते हैं, इसलिए 16 का बेस बन जाता है। पाइथन में किसी नंबर को हमने डिक्लेयर करना है, क्या एक्सट्रा डेसिमल डिक्लेयर करना है, तो प्रीफिक्स में यानी स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे, 0x। एक्स स्मॉल में लिख सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो, आप पर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है, राइट। सपोज देखो वी इक्वल 0x और वही 1 to 5 मैंने लिखा हुआ है, तो 1 to 5 यहाँ पर क्या हो गया, आप मेरे लिए हेक्साडेसिमल बन गया है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में क्या लिखा है, 0x लिखा हुआ है। ठीक है जी, अगर इनको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं फिर मैं नीचे आ जाऊँगा। सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ v इक्वल, इन केस लिखता हूँ 1 to 5 मैंने लिख दिया। ठीक है जी, अभी 1 to 5 मेरे लिए क्या है, बल्कि इसको मैं बाइनरी बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ क्या, 0 v लिख दिया मैंने, ठीक है जी, और लिखता हूँ 1 1 0 1 1 लिख दिया। अगर मैं प्रिंट करूँगा ना, प्रिंट और लिखता हूँ क्या, x, तो ये इनका इस बाइनरी का इक्विवेलेंट वैल्यू मुझे डिस्प्ले करेगा, किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। इसको क्लियर करवा देता हूँ, यहाँ से एरर हो गया है। अच्छा एरर दे रहा है, एरर क्या है, ये 0 नहीं है, बल्कि मुझे तो ओ लग रहा है, इसको ओ कर दे, 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब सही हो गया, राइट, 0 बी और रन कर देते हैं। देखो 27 इसका क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये इसका मुझे डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी वैल्यू को क्या को बनाना चाहता हूँ, ऑक्टल बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा 0 क्या, ऑक्टल के लिए हम यूज़ करते हैं ओ यूज़ करते हैं। ठीक है, ओ स्मॉल में हो कैपिटल में हो कोई मसला नहीं है। सपोज़ मैं लिखता हूँ 1 to 5 और मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ इसकी वैल्यू को, यानी प्रिंट वी करता हूँ, तो याद रखे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मुझे इसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा ना, ये मुझे डिस्प्ले करेगा इसका डेसिमल वैल्यू। देखो रन किया मैंने, ये 85 नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं 85। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको क्या करना है, इस वैल्यू को मैंने करना है अब 0x करना है, तो अब मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए x बन गया। और मैं कहता हूँ प्रिंट करो किसको, वी को, रन करता हूँ, ये देखें ये एक्सट्रा डेसिमल मेरे लिए 1 to 5 है, और इसकी जो डेसिमल वैल्यू है क्या डिस्प्ले हो रही है मुझे, 293 डिस्प्ले हो रही है, राइट। अब ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा, मैं ज़रा मज़ीद चीज़ में करवाता हूँ, तब आपको ऐसे समझ आएंगे। अच्छा अगर हम इसमें कन्वर्जन करना चाहते हैं, कन्वर्जन कि जी हाउ टू कन्वर्ट द नंबर्स, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, फिलहाल हम बिगिनर्स हैं, तो इसलिए मैं यहाँ इनके फंक्शन यूज़ करूँगा। हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, एक फंक्शन का नाम क्या है, बिन है, बिन। सो बिन क्या करेगा, बिन मुझे उसकी बाइनरी वैल्यू रिटर्न करेगा जो उसमें दी गई है, जो भी वैल्यू उसमें दी गई उसके इक्विवेलेंट बाइनरी रिटर्न करेगा। यानी मैंने किसी नंबर्स का बाइनरी निकालना है तो इसके लिए बाइनरी का फंक्शन यूज़ करूँगा। इस तरह ऑक्टल क्या करेगा, ऑक्टल वैल्यू कैलकुलेट करेगा, फाइंड आउट करेगा किसका, जो नंबर मैंने यहाँ पर इसको पास किया हुआ है। इसी तरह एक्स क्या करेगा, यानी एक्सा फंक्शन, एक्स जो फंक्शन है ये एक्सा डेसिमल वैल्यू रिटर्न करवाएगा जो नंबर उसको मैंने पास किया हुआ है। ठीक है जी, अगर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, मैं यही चीज़ आपको उधर लिखवा देता हूँ, राइट। अच्छा एक नंबर लेते हैं, सपोज वी इक्वल, मैं वही करवा देता हूँ जो एग्जांपल में मौजूद है। सो मैंने क्या दिया भाई, ज़रा आसानी आप लोगों को रहेगी, आप लोगों का हो जाएगा प्रोग्राम, ज़रा इजी लगेगा आपको। वैल्यू मैंने दिए 1 2 3 दिए, ठीक है जी। मैंने कहा वी इक्वल 1 2 3। अच्छा पहले इसका नॉर्मल डिस्प्ले करते हैं, ठीक है जी, यानी इसकी जो डेसिमल वैल्यू है, प्रिंट
डबल कोट के अंदर क्या, ये बाय डिफॉल्ट जो मैंने दिया ये इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इधर देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है मेरे लिए डेसिमल वैल्यू है। तो मैं अगर लिख भी दूँ क्या कि जी वैल्यू ऑफ वी इन डेसिमल फॉर्म इक्वल, और उसके बाद कंकर्डेंशन के लिए कामा यूज करता हूँ और किस से वी से, ठीक है जी। इधर देखिए ये प्रिंट किया मैंने, ये देख रहे हो वैल्यू ऑफ वी इन डेसिमल फॉर्म क्या 1 2 3। इसी तरह अगर मैं इसका बाइनरी चेक करना चाहता हूँ तो मैं फंक्शन यूज करूँगा प्रिंट क्या डबल कोट के अंदर वैल्यू, बस यही प्रिंट करूँगा यार, टाइम हमारा बच जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी के मैंने और कंट्रोल वी करता हूँ, वैल्यू ऑफ वी इन किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी के लिए हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। एक फंक्शन यूज़ करता हूँ कौन सा, बी आई एन बिन, और किस का, इस वी का, ठीक है जी। रन करके देखते हैं, ये रन, ये देखें वैल्यू ऑफ वी इन बाइनरी फॉर्म। अच्छा देखो मैं एक कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तो उससे भी ज़रा मैं आसानी हो जाएगी, जो आंसर आ रहा है गलत है या सही है, ठीक है जी। मैं कैलकुलेटर ऑन कर देता हूँ विंडो में, जो हमारे पास बिल्ट इन कैलकुलेटर है ये, मैं लिखता हूँ क्या वैल्यू मेरे पास क्या है 1 2 3 है, ठीक है जी। नॉर्मली आपके पास ये इस तरह होगा, ठीक है, अपनी व्यू में आना है और व्यू में प्रोग्रामर पे क्लिक करना है, क्लिक किया। अब देखो ये मेरे वैल्यू क्या डेसिमल है, मैं इसका बाइनरी लेता हूँ, बाइनरी पे क्लिक किया, ये बाइनरी 1 2 3 तो लिखो ना, 1 2 3 और क्या चाहिए, बाइनरी चाहिए, बाइनरी देखिए ज़रा, ये 1 1 1 0 1 1, गौर से देखे यहाँ पर, ये इसको 0B को उठा दे और बाकी देखे 1 1 1 0 1, तो वही आंसर आ रहा है कि नहीं हमारे पास जो कैलकुलेटर में है। इसी तरह आप इन्हीं का निकाल सकते हैं, ऑक्टल फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी किया मैंने, और कौन सा मुझे चाहिए, ऑक्टल, तो ऑक्टल के लिए फंक्शन कौन सा है हमारे पास, OCT है, तो देखें OCT और किसका, वी का निकाले, ठीक है जी। रन करते हैं, ये रन, ये देखो ये 1 2 5 का जो मुझे दे रहा है ना, 1 2 3 का आंसर दे रहा है क्या, 1 7 3 दे रहा है। मैं कैलकुलेटर भी करके दिखाता हूँ, ये डेसिमल वैल्यू है 1 2 3, और ऑक्टल पे क्लिक करता हूँ, ये ऑक्टल देखें 1 7 3, और से देखें ये 1 7 3 यहाँ पर भी है और ये 1 7 3 यहाँ पर मुझे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है जी। और प्रीफिक्स के तौर पर क्या दिया गया है, 0 O दिया गया है। इसी तरह आप डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट, प्रिंट वो पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ वी इन किस फॉर्म में, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो हेक्साडेसिमल के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं पाइथन में वो कौन सा है, वो ईएक्स है, HEX, हेक्स। रन करते हैं, ये देखें वैल्यू ऑफ वी इन हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या 0x7b, ठीक है जी। बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ से भी इसको देखते हैं, ये 1 2 5 और एक्स फंक्शन लिया, देखो 7b आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। अच्छा आप के माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी अभी तक तो हमने सिर्फ ये किया है कि जी डेसिमल की वैल्यू को हम डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में या ऑक्टल में या एक्सा में, तो क्यों ना किसी और नंबर को किसी और में कन्वर्ट करते हैं। सपोज रेंडमली हम एक नंबर लेते हैं, मैं कहता हूँ क्या प्रिंट करो, ठीक है जी, कौन सा नंबर लेते हैं और किस में कन्वर्ट करना है। इन केस मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इधर देखते हैं सामने से, हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में,
बाइनरी का फंक्शन लिया मैंने। अच्छा अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू किसकी डालते हैं, ऑक्टल की डालते हैं, ठीक है। तो मैं ऑक्टल के लिए हमारे लिए क्या है, ज़ीरो ओ है, और नंबर देते हैं क्या 6 7 देते हैं, ठीक है जी। 8 उसमें शामिल नहीं है, जहन में रखते जाए। 0 6 7 मैंने दिया, और किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। रन करते हैं, ये देखिए ये बाइनरी वैल्यू नज़र आ रही है, 0B11 0111। चलो इसे कैलकुलेटर से ज़रा देखते हैं, ऑक्टल हमने क्या वैल्यू दी यहाँ पर, 6 7 दिया ना। मैं क्लियर करता हूँ ज़रा इसको, ये 60 67, ठीक है जी। ऑक्टल यहाँ से पहले लेते हैं, ऑक्टल 67, और किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ये बाइनरी और से देख वही चीज़ आ रही है कि नहीं, 00 11 0 111, तो वही आंसर हमारे पास इधर भी आ रहा है। तो आप कोई भी नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर सिस्टम में आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं इन फंक्शन की मदद से, राइट जी। तो आज हमने देख लिया है जी हाउ टू कन्वर्ट द नंबर सिस्टम इन अनदर सिस्टम यूजिंग द पाइथन। पाइथन में हमने डिफरेंट फंक्शन यूज़ करते हुए एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हमने कैसे कन्वर्ट करना सीख लिया है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है जी, और आपने महसूस किया है कि जी आपने कुछ इससे लर्न कर लिया है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। इनके अलावा अगर आपको कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई क्यूरी देना चाहते हैं, या कोई कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, या आपको कोई नोट्स की ज़रूरत है, ठीक है जी, तो आप मुझे इन में दी हुई मेरी ईमेल्स पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनके अलावा और भी आपको लर्निंग वीडियोज़ आपको मिल जाती है, इस माई चैनल नेम और ये लिंक है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। थैंक यू जी।